तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड सत्र 2020-22 के बारे में। यहाँ पर नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पंजीयन को लेकर। मतलब जो भी छात्र 2020-22 बीएड के हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितना फ़ी लगेगा, कब तक डेट है, विलम्ब शुल्क के साथ कितना फ़ी लगेगा, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यह ऑफिशियल पोर्टल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के आप वेबसाइट से जो है इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पोर्टल पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बीएड रजिस्ट्रेशन 2020-22। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिल जाता है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर जो है एक लेटर जारी किया गया है, जो कि सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या सचिव, निदेशक सभी को यह जारी किया गया है। सभी अंगीभूत एवं संबंध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विषय जो है बीएड सत्र 2020-22 में पंजीयन के संबंध में, और इसी को हम इस पूरी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लेटर जारी किया गया है, विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि आपके विभाग या महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ या जो दूसरे विद्यालय से उत्तीर्ण होकर नामांकित हुए हैं उन सभी छात्र छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र ऑफलाइन के माध्यम से तिथि जो निम्नवत है। पंजीयन की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना विलम्ब शुल्क के ₹230 लगेगा, बिना विलम्ब शुल्क के, जो कि 7 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक है। यदि आप बिना विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो सिर्फ ₹230 में जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। दूसरी है यहाँ पर पंजीयन की तिथि यदि आप विलम्ब करते हैं तो 230 और जोड़ ₹30 के साथ जो है आप यहाँ पर 16 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप उनसे भी विलम्ब करते हैं विशेष विलम्ब शुल्क के साथ, यहाँ पर आपको ₹260 तो लगेंगे ही, उसके बाद जो है ₹500 और विलम्ब शुल्क लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पर हो जाएगा ₹760, आप देख सकते हैं 260 प्लस 500 760 आपको यहाँ पर लगेंगे जब आप 24 अप्रैल 2021 से 26 अप्रैल 2021 तक पंजीयन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख चुके हैं कि क्या जो है यहाँ पर आपको कितना पेमेंट लगने वाला है। यदि आप 7 अप्रैल से 15 अप्रैल तक करते हैं तो ₹230 लगेगा, इसके बाद यदि आप 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक करते हैं तो यहाँ पर ₹260 लगेगा, और यदि आप 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक करते हैं तो ₹760 लगेगा। यहां पर आप देख सकते हैं सभी छात्र छात्राओं को निर्देश दिया जाता है कि यहाँ पर जो है संबंधित विभाग या महाविद्यालयों में पंजीयन प्रपत्र भरकर जमा करेंगे। सभी विभागाध्यक्ष प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि पंजीयन प्रपत्र अद्यो हस्ताक्षर के कार्यालय में निश्चित रूप से दिनांक 28/4/2021 तक जमा करेंगे। यह जो है दोस्तों नोटिफिकेशन 5 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर ए.के. झा की तरफ से। और यहाँ पर जो है जो भी विद्यार्थी सत्र 2020-22 के हैं बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनके लिए यहाँ पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स आई होप डार्क इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो।